दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो और पहली बार आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो हमारे सामने सप्लायर के द्वारा दिया हुआ कुछ इस तरीके का इनवॉइस हमारे पास आता है। तो सप्लायर के द्वारा जो इनवॉइस नंबर हमारे पास आता है तो उसके अंदर कुछ इनवॉइस नंबर है वो इस तरीके से लिखा होता है, ये ठीक है। लेकिन अब बात आएगी भी ये जो इनवॉइस का नंबर है, ये इनवॉइस नंबर जब हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज वाउचर में इसकी एंट्री पास करेंगे तो ये जो इनवॉइस नंबर है क्या हमें ये सप्लायर इनवॉइस नंबर के इस कॉलम में लिखना चाहिए या फिर ऊपर जो हमारे पास वाउचर नंबर की जो सीरीज आती है यहाँ पर हमें लिखना चाहिए। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है और यहाँ लिखेंगे तो क्या हमें बेनिफिट मिलता है, तो इस टाइप का डाउट हम इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको पार्टी के जो परचेज की जो एंट्री है उसकी एंट्री और उसका पार्टी का जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसके साथ हम मिलान करना सीखेंगे भी अगर आपके पास आपके सप्लायर के द्वारा जो आपको अकाउंट स्टेटमेंट दी जाएगी मंथ एंड पे उसको आप अपने टैली सॉफ्टवेयर में उसके साथ किस तरीके से मिलान करोगे। तो सारा वीडियो प्रैक्टिकल और लाइव रहने वाला है आपके सामने और दोनों में हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमें किस जगह लिखना चाहिए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, ये है हमारे पास बालाजी ट्रेडर्स के द्वारा इश्यू किया गया हमारे को स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के अंदर सप्लायर के अकॉर्डिंग सप्लायर ने हमें कुछ सेल इनवॉइस भी किए हैं और कुछ रिसिप्ट भी है। तो अब इसका अपोजिट भी जो हमारे सप्लायर के सेल है वो हमारे लिए परचेज बन जाएंगी और जो सप्लायर की रिसिप्ट है अब वो हमारे लिए पेमेंट बन जाएगी। अब हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे और टैली सॉफ्टवेयर पे हमारे सप्लायर का हम लेजर ओपन करते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाते हैं लेजर देखने के लिए, उसके बाद में अकाउंट्स बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, लेजर को सिलेक्ट करेंगे और बालाजी ट्रेडर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अगर हम सबसे पहले एक बार क्लोजिंग बैलेंस की बात करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस हमारी टैली सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आपने 6482 रुपए बालाजी ट्रेडर्स को देने हैं, क्योंकि इसका अमाउंट क्रेडिट के साइड में आ रहा है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि 6482 रुपए डेबिट साइड है, यानी कि ये सप्लायर कह रहा है मैंने लेने हैं और हम कह रहे हैं हमारे सप्लायर को हमने पैसे देने हैं। तो यानी कि आपका ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये तो बिल्कुल मैच है। अब हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की एक एक अमाउंट की। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये हमने परचेज इनवॉइस की एंट्री कर ली, ठीक है। अब एंट्री तो कर ली, अब उसके बाद में अगर हम बात करें सप्लायर के इनवॉइस नंबर की, अगर हम इसका स्टेटमेंट मैच करें इस स्टेटमेंट के साथ में तो आपका डाटा तो यहाँ पर मैच हो रहा है। हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अब जैसे मान लीजिए 6134 रुपए का पहला इनवॉइस है 1 अप्रैल 2023 को और ये है इनवॉइस नंबर BT/2324/045। ये इनवॉइस नंबर है बालाजी ट्रेडर्स के द्वारा इश्यू किया हुआ, जो कि हमारे पास ये इनवॉइस नंबर है ये वाला, इसके अंदर आप देख सकते हो ये वाला BT/2324/045 1 अप्रैल 2023 को और ये इनवॉइस की अमाउंट है 6134 की, ठीक है। अब हम टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अब टैली सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करते हैं तो ये अमाउंट तो हमारी यहाँ पर मैच हो रही है 6134 रुपए की, लेकिन अब वाउचर नंबर की बात करें तो यहाँ पर वाउचर नंबर हमें सिंगल एक दिखा रहा है। अब एक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब हम टैली सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री पास कर रहे थे तो अब आपने देखा होगा आपके पास जो परचेज नंबर की जो वाउचर नंबर सीरीज है वो 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक चलती रहती है जिस हिसाब से हम एंट्री पास करते जाते हैं, और उसके बाद में जो हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो हमने इस इनवॉइस नंबर को इस सप्लायर के इनवॉइस नंबर के अंदर यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये हमने लिख दिया कोई गलत नहीं है और ऊपर आपका एक नंबर आ रहा है ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बात आएगी अगर हम पार्टी का स्टेटमेंट अगर मैच करेंगे फर्स्ट टाइम के डैशबोर्ड पे तो हमें वो वाउचर नंबर यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसके लिए हमें हर वाउचर पे जाके इंटरपेस करना पड़ेगा और उसके बाद में ये जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है इस इनवॉइस नंबर को स्टेटमेंट के साथ हमें
टिक मार्क करना पड़ेगा भी ये इनवॉइस नंबर हमारे पास भी पोस्टिंग हुआ हुआ है। लेकिन अगर इस इनवॉइस नंबर को हम वाउचर नंबर की जगह डाल दें साथ में तो क्या होगा, तो जैसा कि मैं यहां से एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं और मैंने टेली सॉफ्टवेयर में किया, एक नंबर को मैंने यहां से हटा दिया और उसकी जगह मैंने यहां पर यह वाउचर नंबर है जो पोस्ट कर दिया और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब हमारे जब हम स्टेटमेंट इसकी चेक करेंगे पार्टी के टेली सॉफ्टवेयर में, तो अब हमें जो यहां पर एक नंबर जो वाउचर नंबर दिख रहा था अब उसकी जगह ये वाउचर नंबर दिखाई देगा। अब इससे क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारे सामने होगी, ये जैसे कि हमें ये फर्स्ट टाइम यहां पर भी दिख रहा है वाउचर नंबर बिल नंबर की डिटेल के अंदर, तो ये टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हमें फर्स्ट टाइम यही ओपन यहां पर वाउचर नंबर में दिख जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं भी इसका और कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, तो जीएसटी रिटर्न पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए मैंने एक इनवॉइस है जो चेंजिंग किया, वापस मैं इसको एक कर देता हूं यहां से, इसको मैंने यहां से हटा दिया और एक नंबर वापस रख दिया कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर दिया, तो अब वाउचर नंबर एक यहां पर शो होना स्टार्ट हो गया। अब हम जीएसटी रिटर्न की बात करते हैं, अगर हम जीएसटी रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं, जीएसटी R2 हमारा रहेगा क्योंकि हम परचेज चेक कर रहे हैं और मैंने डाटा ओपन कर लिया, तो यहां आप देख रहे हो B2B के अंदर वो पांच इनवॉइस हमारे सामने आ रहे हैं और इनवॉइस नंबर है ये यहां पर हमें प्रॉपर सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी रिटर्न पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट केवल और केवल जहां पड़ेगा वो आपके मेन इस डैशबोर्ड पे पड़ेगा, जब भी हम उस पार्टी का लेजर देखेंगे तो यहां पर इनवॉइस नंबर की बजाय आपका जो सीरीज ऑटोमेटिक चल रही है टेली सॉफ्टवेयर की वो चलेगी। अब काफी सारे लोगों का मानना होता है भी यहां पर हमें जो इनवॉइस वाउचर का जो नंबर है ये हमारा वाउचर नंबर सीरीज होता है, भी हमने एक नंबर पर चेंज की एंट्री कर दी, दो कर दिया, तीन कर दिया, तो अब आपके पास बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स होंगे जिसके आपके पास परचेज इनवॉइस आएंगे, तो आप उससे इनवॉइस का एक नंबर दो नंबर आपकी उन परचेज की पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर मिलान करना होगा तो आपको पार्टी के साथ उसके इनवॉइस नंबर के साथ है जो अमाउंट को बिल्कुल टैली करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इसको किया, कॉपी किया यहाँ पर हमने इसको, और आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ। इसी तरीके से जैसे दो नंबर इनवॉइस है, तो दो नंबर इनवॉइस मेरे पास 4,850 रुपये वाला है, तो यहाँ पर भी ये 4,850 का है, तो ये इनवॉइस मैंने कॉपी किया और सॉफ्टवेयर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका जो वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखता रहेगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी अपने पार्टी के साथ में अकाउंट स्टेटमेंट है जो मैच करने की। तो इसी तरीके से हमारा जो पेमेंट वाउचर है, हमारा सप्लायर का ये रिसिप्ट रहेगा और हमारी तरफ से ये पेमेंट वाउचर है। तो पेमेंट वाउचर की अगर हम बात करें तो पेमेंट वाउचर के अंदर हमने ये नंबर डाला हुआ है जो हमने जो हमें इनवॉइस सप्लायर के द्वारा इशू की गई थी, जो रिसिप्ट जैसे 119125133143 ये जो वाउचर नंबर है सप्लायर का, और उसी इनवॉइस वाउचर नंबर को हमने पेमेंट की वाउचर की एंट्री करते वक्त हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इससे अब हमारा काफी हद तक डाटा आसान हो रहा है। लेकिन एक दो तीन को अगर हम देखेंगे तो हम इसको टैली अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे, एक एक वाउचर को जाके और फिर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा भी ये वाउचर कौन सा वाउचर की अमाउंट ये मैच है या नहीं है, वो बात की बात है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो इस इनवॉइस नंबर के फॉर्मेट में तो हमें लिखना ही लिखना है, इसके साथ साथ हम इसको परचेज का जो वाउचर नंबर सीरीज है इसके अंदर भी हमें जरूर लिखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।